दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक जैसा देख रहे हैं आप, उनके वेबसाइट में काफी बड़ा ब्रांच है, काफी बड़ा बैंक है, साउथ का बैंक है। पूरे पैन इंडिया में इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला है फ्रेशर्स के लिए। जो फ्रेशर्स है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट फ्रेशर्स के लिए पूरे पैन इंडिया में, जिसमें महाराष्ट्र हो गया, बाकी स्टेट हो गया, जिसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे HDB फाइनेंशियल सर्विसेस, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आई है और वो भी फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए भी है। और चलिए दोनों के लिए भी, नागपुर के लिए भी, यहाँ पे HDB के लिए, HDB फाइनेंस के लिए नागपुर में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, MP में भी है। तो सभी जगह का हम लोग एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कहाँ पे कौन सी जगह है, किस तरह से अप्लाई करना है, पूरे डिटेल आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे वीडियो में। एक तो बात करेंगे हम लोग सिटी यूनियन बैंक की और दूसरी बात करेंगे HDB की। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हैं, चलते हैं हम लोग इनके रिक्वायरमेंट की तरफ। दोस्तों पहला जो रिक्वायरमेंट हम लोग देखेंगे HDB का, दोस्तों HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में जो रिक्वायरमेंट आई है वो 30 वैकेंसी है, सेल्स ऑफिसर के लिए, सीनियर सेल्स ऑफिसर के लिए, पर्सनल लोन्स के लिए, मॉर्गेज लोन और गोल्ड लोन के लिए। ये वैकेंसी के डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए टोटल एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स, मतलब आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और लोकेशन है बड़ौदा में, सूरत है, अहमदाबाद है, राजकोट है, गांधीधाम है, मुंबई है, भोपाल है, इंदौर है, नागपुर है और पुणे है, सभी जगह के लिए। अब इनमें कैसा है, कन्वर्ट लीड्स जो भी आते हैं उनको सेल्स कन्वर्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, फिर लोन एग्रीमेंट बनाना है, डेली सेल्स रिपोर्ट बनाना है, ट्रैक करना है सॉल्यूशंस, बाकी पूरे डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो stppcarrier.sdbfs.com में जाके जॉब लिस्ट में जाओगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। बड़ौदा के लिए अप्लाई करना है तो जॉब कोड रेट नंबर 28114, सूरत के लिए 28116, अहमदाबाद के लिए 28115, राजकोट के लिए 28117, गांधीधाम के लिए 18, मुंबई के लिए 28119, भोपाल के लिए 28103, इंदौर के लिए 28100, नागपुर के लिए 28120, पुणे के लिए 28121। इसके साथ में आप ये पूरे प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जॉब लगने के चांसेस ज्यादा रहेंगे अगर आप उनके क्राइटेरिया में फिट बैठते हो। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर का रिक्वायरमेंट आया है और ये केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के लिए, सभी गुजरात और अदर नॉर्थन स्टेट के लिए, क्योंकि इनके 1 1 ईयर्स पुराना ब्रांच है और इसके लिए 7 to 7 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने निकाली जगह। पूरी डिटेल इनकी स्क्रीन में, इनके वेबसाइट में जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अप्लीकेशन फ्रॉम फ्रेशर्स, सीधा सीधा लिखे एप्लीकेशन फ्रॉम फ्रेशर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सभी जगह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन किस तरह से करना है चलिए उनके वेबसाइट पे चल के बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों हम लोग आए इनके वेबसाइट में जाके हम लोग जाएंगे सीधा कैरियर सेक्शन में। कैरियर सेक्शन में जाने के बाद दोस्तों हम लोग आए उनके कैरियर सेक्शन में। कैरियर सेक्शन में आप देखिए इनका रिक्वायरमेंट है रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए रिक्वायरमेंट आया है और उसके लिए लोकेशन जैसा उन्होंने कहा है केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात और नॉर्थन स्टेट के लिए। फ्रेशर चाहिए इसमें, ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकते हैं, आपकी उम्र 27 साल तक चाहिए और ओनली शॉर्टलिस्टेड कैन, वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और अप्लाई किस तरह से करना है, आपको अप्लाई करना है 3 जून के पहले, ध्यान में रखना लास्ट डेट है 3 जून। अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करोगे तो एक ये लिंक खुलेगी उनके फॉर्म की, रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पहले पेज पे रजिस्ट्रेशन आप ही सब लिखना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सेव लिंक पे कॉपी करना है, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको ये पूरा फॉर्म भर के ऑनलाइन ही सबमिट करना है। तो ये थे दोस्त बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए जो फ्रेशर से उनके लिए जॉब। ऐसी जॉब आपको चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम दोस्तों के साथ। पहले थैंक यू दोस्तों वॉचिंग के लिए, धन्यवाद।